हैं तो आज मैं यहाँ पे सीताराम देवांचन के भटूरे छोले ट्राई करने के लिए दिल्ली में काफ़ी जगह पे उन्होंने आउटलेट खोले हैं तो यहाँ पे मैं ज्वाला एडी के पास है ये पश्चिम विहार में आउटलेट इनका तो वहाँ पे मैं ट्राई करने आया हूँ देखते हैं कि कैसा है टेस्ट इसका जो कि काफ़ी फेमस छोले भटूरे माने जाते हैं दिल्ली में कैसी कंसिस्टेंसी है चने की छोले की और पूरा किस तरह का ये रहते हैं तो जल्दी ये भटूरा तलते हैं उसके बाद में तलने के बाद करके रख देते हैं रखने के कुछ टाइम के बाद फिर ये जब सर्व करते हैं तो उनको सेक के सर्व करते हैं तो एक तवी होती है मोटी उसके ऊपर सेकते हैं फिर देते हैं वो सॉफ्ट भी रहता है भटूरा और क्रिस्प भी हो जाता है तो अंदर जो पिट्टी है वो ये पनीर के पनीर भरते हैं उसके अंदर भटूरे के अंदर तो देखते हैं अभी चलते हैं और खाते हैं सीताराम के भटूरे से तो ये लोकेशन है मैं दिखा दूँ आपको ये ज्वाला अड्डी से आप लेफ्ट लोगे अगर पच्चीस हज़ार से आ रहे हो तो लेफ्ट हो गए फिर 100-200 मीटर आप चलोगे रोड के ऊपर तो वहाँ से लेफ्ट लोगे तो वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है तो यहाँ भी ये मेरे पीछे आप देखते हो तो वहाँ पे ये लोकेशन है सीताराम छोले भटूरे और 65 रुपीज़ के ये छोले भटूरे हैं एक प्लेट अगर ट्रेन में आप लेते हो तो 70 रुपीज़ का देते हैं अगर आप सिंगल प्लेट लेते हो तो 35 सिंगल भटूरा अगर लेते हो तो 35 रुपीज़ का तो ये फिलिंग जो इसमें जो है पनीर की फिलिंग रहती है और तो पहले निकाल लेते हैं और फ्राई करते हैं उसके बाद में तली के ऊपर मोटी तवी होती है जिसके ऊपर इसको सेक के देते हैं तो अभी देखते हैं कैसा
सीताराम दीवानचंद के छोले भटूरे और दिखने में काफ़ी क्रिस्प लग रहे हैं। और छोले और अनियन पिकल है, छोले में आलू है, चटनी जो भटूरा है इसके अंदर स्टफिंग है अपनी थी और काफ़ी क्रिस्प। और